नाज़रीन, हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट कि लोग क्या कहें। हम बहुत से काम इस वजह से नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, हम बहुत से काम लोगों की शर्म की वजह से नहीं करते, जबकि हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या कहेंगे, ना कि लोग क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया और मैं हूँ आमिर हबीब। इस रिपोर्ट के लिए हमारे साथ तावन किया है पब्लिक न्यूज़ एंड मीडिया कॉरपोरेशन, फ्यूचर स्टार रेंट ए कार, यूनाइटेड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। ये लोग हमारी ज़िंदगी में और हमारी सोच में, दिमाग में, दिल में मुकम्मल तौर पर घुस चुके हैं। हमारी एक ही सोच रह गई है कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि लोग अच्छा नहीं कहेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे लोग अच्छा नहीं कहेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे लोग बुरा कहेंगे। ये ज़िंदगी सिर्फ लोगों की वजह से जी रहे हैं क्या? हमारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है? हम अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी या अल्लाह ताला की दी हुई अमानत समझ कर नहीं इस्तेमाल कर रहे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोग भी इसमें मुकम्मल तौर पर किरदार निभा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर अपने गिरबान में तो झांकते नहीं हैं। किसी दूसरे से थोड़ी सी गलती हो जाए तो सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, जैसे कि खुद तो फरिश्ते हों वो। आजकल ये ज़माना, ये दौर ही ऐसा आ गया है कि हमको अपनी गलतियों के सिवा, अपनी कोताहियों के सिवा सब कुछ नज़र आता है। कोई इंसान किसी दूसरे का दिल नहीं जानता, नियत नहीं समझता कि उसकी नियत में क्या था, उसके दिल में क्या था, या उसके दिमाग में ऐसा था या नहीं था, या उसने जानबूझकर गलती की है या वैसे हो गई है। अपने फतवे लगाना शुरू कर देता है, अपनी राय देना शुरू कर देता है, और एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास बात को पहुँचाना अपना फ़र्ज समझना शुरू कर देता है। खैर, ये तो काम है लोगों का। अगर इस तकरीर को सुनने के बाद कोई एक इंसान भी चेंज हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैंने खुद ये सोचना छोड़ दिया है कि लोग क्या कहेंगे, तभी मैं इस फील्ड में आया हूँ। पहले इस फील्ड में नहीं था, इसी वजह से नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। अब चूँकि ये छोड़ दिया है कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, तो आपके सामने हूँ। हम कुछ अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का पहनते नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। हम कुछ भी सोचते हैं और सोचते ही रुक जाते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। अगर हमारे हालात अच्छे नहीं हैं तो हम अपना स्टेटस थोड़ा सा नीचे करके भी जी सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं लाना, लोग क्या कहेंगे। हम कोई कारोबार, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो या उससे हमारा गुजारा बहुत अच्छा ही क्यों ना हो सकता, वो इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। अगर एक बंदा सुपर स्टोर बनाना चाहता है तो लोग क्या कहेंगे, वो परचून वाला। हम तालीम हासिल करना चाहते हैं तो यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये किस घटिया स्कूल में ये पढ़ रहा है, जबकि उधर भी तालीम वैसी है, पर पढ़ना बंदे ने खुद है, जबकि लोगों की बड़ी फिक्र है कि जी स्कूल बड़े आला लेवल का हो, कॉलेज बड़े आला लेवल का हो। हम बताते हुए भी हमारे घर वाले शर्म महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। हम किसी के सामने अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, अपना मौकफ रखना चाहते हैं, तो ये सोच के नहीं रखते पता नहीं आगे से लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और इसके साथ साथ लोगों का भी सिर्फ यही फ़र्ज़ रह गया है, यही काम रह गया है कि अगर उनको पूरे 24 घंटों में सिर्फ एक घंटा भी फ्री मिल जाए तो वो इसमें यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उस इंसान ने ठीक किया, उस इंसान ने गलत किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो अपने गिरबान में झांकें या अपने आप को सीधा कर लें, वो इसी फिक्र में रहते हैं कि काश कि दूसरे ठीक हो जाएं, वो क्यों ख़राब हैं। नाज़रीन, क्या ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है? क्या इस ज़िंदगी को हमको इसी तरीके से लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहिए, या क्या हम सब लोगों को सिर्फ लोगों की बातें गीबतें कर करके गुजारना चाहिए, लोगों के ऊपर अपनी राय पेश करके गुजारना चाहिए? नाज़रीन, हमें फ़ायदा क्या होता है लोगों की बातें करके, हमें फ़ायदा क्या होता है दूसरों के ऊपर अपनी राय दे के? नाज़रीन, क्या कभी हमने ये सोचा कि हमको क्या मिलता है अगर हम दूसरे के मुतालिक अपनी नेगेटिव राय देते हैं, हमको क्या मिलता है दूसरे के मुतालिक सोच के, हम खुद अपना क्यों नहीं सोचते? और एक और बात कि अगर हमको किसी की कोई नेगेटिव बात पता चले तो हम उस पर फौरन यकीन कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी की पॉजिटिव पता चल जाए तो उल्टा अपनी राय देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह,
खैर अब नाजरीन, एटलीस्ट मैं तो आज से नहीं सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों में तो खैर मैं भी शामिल हूँ। लोगों का काम है कहना और नेगेटिव राय देना, तो वो देते रहे। बहुत कम लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव राय देते हैं, और मेरी स्पीच से वही लोग नेगेटिव राय कायम करेंगे जो कि नेगेटिव राय कायम करने वाले हैं। जो अच्छा सोचने वाला है, जो पॉजिटिव इंसान है, वो इस तकरीर को भी बहुत पॉजिटिवली लेगा। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि कम अज़ कम मैं तो आज से नहीं सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे, तो बराए मेहरबानी जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कम अज़ कम आप लोग ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या कहेंगे। उठें और जो कुछ बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, शुरू कर दें। जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लें। छोड़ें लोगों को, लोगों ने आपको नहीं छोड़ना। लोग आपकी हर लेवल पे आके बात करते रहेंगे। लोगों ने आपको नहीं भूलना। लोगों का काम है बातें करना। तो बस आज से हम खुद कम अज़ कम ना किसी की बात करें और ना ख्वामखा नेगेटिव राय दें, बल्कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। अगर हमने अपने आप को भी दुरुस्त कर लिया, अगर हमने दूसरों के ऊपर नज़र रखने के बजाय अपने ऊपर भी नज़र रख ली, तो ये ज़िंदगी इतनी है। नाज़रीन, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत मुख्तसर है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि हम लोगों के मतलब सोचते रहें कि वो क्या कहेंगे। जो बनना चाहते हैं उठें और बन जाएं। छोड़ दें फिक्र लोगों की, और लोगों के ऊपर कमेंट करके आपको कुछ नहीं मिलना। लोगों के ऊपर नज़र रख के आपको कुछ नहीं मिलना। ना आपकी वजह से उनको कोई नुकसान हो सकता है और ना ही आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा आज से लोगों के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स पास करना छोड़ दीजिए और अपने गिरबान में झाँक कर अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें, और ये बात भी छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। पब्लिक टीवी मीडिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद न्यूज़, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और मालूमाती प्रोग्राम्स के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पर, और विज़िट कीजिए public tv media.com।